रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में मणिकर्णिका तांबे के रूप में हुआ था। उनके पिता मोरोपंत तांबे नाम के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य के पेशवा के लिए काम किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने मार्शल आर्ट्स, घुड़सवारी और तीरंदाज सहित विभिन्न विषयों में शिक्षा प्राप्त की जो उस समय लड़कियों के लिए आम नहीं थी। वह एक कुशल कवित्री और संगीतज्ञ थी। उन्होंने मराठी भाषा में कई कविताओं की रचना की और वह एक भारतीय वाद्य यंत्र वीणा बजाने में भी कुशल थी। 1842 में मणिकर्णिका ने झांसी के महाराज राजा गंगाधर राव से विवाह किया और झांसी की रानी बनी। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया लेकिन दुर्भाग्यवश वह बहुत कम उम्र में ही मर गया। रानी लक्ष्मीबाई अपनी प्रजा के प्रति उदारता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। उन्होंने झांसी में स्कूल और अस्पतालों की स्थापना की और वह जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। वह मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी के जीवन और शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने अपने गोद लिए पुत्र का नाम शिवाजी के पिता के नाम पर दामोदर राव रखा। 1853 में उनके पति की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा के गोद लिए पुत्र को सिंहासन के वैध उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। इससे रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच विवाद हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उन्हें 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करना पड़ा। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह था। विद्रोह मई 1857 में शुरू हुआ और यह एक वर्ष से अधिक समय तक चला और अंततः जून 1858 में यह समाप्त हुआ। विद्रोह का तत्कालीन कारण नई ब्रिटिश नीतियों का परिचय था जिन्हें भारतीय सैनिकों और नागरिकों द्वारा दमनकारी और शोषण के रूप में देखा गया था। विशेष रूप से अंग्रेजों ने नई इनफील्ड राइफल पेश की थी जिसके लिए सैनिकों को उनके कारतूसों के सिरों को मुंह से काटने की आवश्यकता होती थी जो गोमांस और सुअर की चर्बी से बने थे। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के लिए अपमानजनक था जो मानते थे कि गोमांस और सुअर का मांस खाना उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है। भूमि अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति पर भी व्यापक असंतोष था जिसे भारतीयों को उनकी भूमि और आजीविका से बेदखल करने के प्रयास में देखा गया था। विद्रोह उत्तरी भारत के मेरठ शहर में शुरू हुआ जहां ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय सैनिक अपने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ उठ खड़े हुए। विद्रोह तेजी से देश के अन्य हिस्सों में फैल गया। भारतीय सैनिकों और नागरिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। भारतीय सैनिकों और नागरिकों सहित विद्रोहियों ने अपनी सेनाएं बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई ने 14,000 पुरुषों की एक सेना खड़ी की जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे और उन्हें सैन्य रणनीति में प्रशिक्षित किया। मई 1857 में भारतीय विद्रोह छिड़ गया और रानी लक्ष्मीबाई तात्य टोपे और नाना साहिब सहित अन्य विद्रोही नेताओं के साथ सेना में शामिल हो गई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी जिनमें झांसी की लड़ाई भी शामिल है जहां वह अपने सैनिकों के साथ युद्ध में उतरी और ब्रिटिश सेना को हराया। विद्रोह को खूनी लड़ाइयों, नरसंहारों और अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों की एक श्रृंखला द्वारा चिन्हित किया गया था। अंग्रेजों, जिनके पास श्रेष्ठ सैन्य शक्ति थी, ने अंततः एक वर्ष की भयंकर लड़ाई के बाद विद्रोह को दबा दिया जिसमें भारतीयों की हार हुई और अंग्रेजों ने देश के प्रशासन पर सीधे नियंत्रण रखते हुए भारत में अपनी शक्ति को और मजबूत करना शुरू कर दिया। हालांकि मार्च 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर कब्जा कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन वह देश के अन्य हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रही और अन्य विद्रोही नेताओं के साथ सेना में शामिल होती रही। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक बार फिर युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया और इस बार युद्ध ग्वालियर शहर में हुआ। वह बहादुरी से लड़ी लेकिन दुर्भाग्य से वह युद्ध में घातक रूप से घायल हो गई और 29 वर्ष की आयु में युद्ध के मैदान में उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के भारतीय विद्रोह में उनकी बहादुरी, देशभक्ति और नेतृत्व के लिए भारत में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में याद किया जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ उनके संघर्ष ने कई भारतीय राष्ट्रवादियों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। वह आज भी भारत में उपनिवेशवाद और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बनी हुई है। भारत में उनकी विरासत का जश्न मनाया जाता है और उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में याद किया जाता है। उन्हें भारत में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के लिए भी याद किया जाता है क्योंकि वह लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा की हिमायती थी। उनका जीवन और विरासत
भारत और दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करता है। 1861 में लंदन के सेंट जेम्स पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की एक मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसे एक भारतीय महिला की पहली सार्वजनिक मूर्ति माना जाता है।